सूरत के जहांगीरपुरा में सीवर में जहरीले रसायन डालने के आरोप में गबरू फरवाड़ गिरफ्तार। सचिन की घटना के बाद मामले में दबोचा जांच के आदेश दिए गए हैं। जहांगीरपुरा पुलिस ने सचिन को केमिकल माफिया और जमीन के दलाल गबरू फरवाड़ सचिन रेलवे स्टेशन के पास को गिरफ्तार करके नगर निगम के सीवर में जहरीला रसायन डालने के आरोप में 2 दिन के रिमांड पर लिया है। जहांगीरपुरा में एक रासायनिक माफिया आदमी गबरू भरवाड़ अपने साथियों के साथ एक सीवर में एक जहरीले रसायन को निपटा कर रहा था। जब स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई तो 100 नंबर पर कॉल किया। पुलिस ने केमिकल टैंकर को जब्त किया और FSL को सूचना दी। FSL रिपोर्ट के आधार पर जहांगीरपुरा पुलिस ने 15 दिन बाद अपराध दर्ज किया। जहांगीरपुरा पुलिस ने इससे पहले अपराध के सिलसिले में 2 ड्राइवर और 2 टैंकर मालिकों को गिरफ्तार किया था और जांच पूरी की थी। सचिन GIDC में हुए जहरीले रसायन कांड के बाद पुलिस आयुक्त ने जहांगीरपुरा और सचिन में पूर्व में जब्त किए गए जहरीले रसायनों के टैंकरों को दबोचा और जांच के आदेश दिए थे, जिसमें गबरू भरवाड़ का नाम सामने आया। पुलिस ने बताया कि केमिकल माफिया सरगना भरवाड़ जहरीले केमिकल वाले टैंकर के सामने कार चला रहा था और उसके साथ राजू और घनश्याम भी शामिल थे। अगर इस मामले में घनश्याम पकड़ा जाता है तो केमिकल टैंकरों को लेकर कुछ खुलासा हो सकता है।